लक्षमी पढ़ी अधिकार भी परपढ़ गया और कुटुंब है क्या वृद्धि कुछ नहीं मानी है संसार का पढ़ना नरदेह की यह अगर है नहीं एक क्षण तुझको तो अरे इसका विचार है पुण्य पुञ्ज प्रसङ्ग निर्दोष सुख निर्दोष कहते अंत ता बधनों से, से मुक्त हो पर वस्तु में मूर्छित न हो इसकी दया वह सुख सदा त्याज पश्चात जिसके दुख भरा पुण्यपुञ्ज प्रसङ्ग शांत शान्त भजिये तो सर्व आत्मज्ञ के ज्ञाने के सिद्धान्तकारिये ओ पुण्य प्रसंग से दोष नद का वचन रे वह स्वान भूत प्रसूत है कारो हो तारोन जात्मा शीघ्र अनुभव कीजिए सर्वात्म में सम्र स्थित हो वचन तिख रे

बहु पुञ्ज पुञ्ज प्रसन्न शट द्रव्य गुण पर्याय और प्रमाण का चढ़ कर्म चेतन बंद का अरु कर्म के अवसान का कहे कर स्वरूप यथार्थ जग का जो किया उपकार है उसके लिए जिनवाणी वाणी माँ को वंदना शत बार है उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है वंदना शत बार है वंदना शत बार है सभी साधन बंधुओं को जय जनंद आइए मंगला चरण पूर्वक स्वाध्याय प्रारंभ करें रमो अरिहंताम रमो सिद्धाणम रमो आयरियाणम रमो वायाणम रमो लोये सर्वसाहुम तिहोण तिलेम देवम वंदितातिहुवरिंद परी पुच्छम वो छमानु पे हाओ भविए जनानंद जनानीयो त्रिभुवन तिलक सत इंद्र वंदित देव श्री अरहंते को करना अनुप्रेक्षाएं भव्य को सुख कर स्वाध्याय चलता है। संसार भावना की चर्चा अपने यहाँ चल रही है और संसार भावना की चर्चा के अंतर्गत संसार परिभ्रमण करने वाले चार गति के जीवों के दुखों का क्रमशः वर्णन करते हुए नरक गति के चर्चा करते हुए तिरंश गति के दुखों की बात साढ़े चार गाथाओं के माध्यम से कार्तिके स्वामी यहाँ करते हैं चालीस और इकतालीस यह दो गाथाओं का विषय कल हमने देखा था यह जीव उस नरक आदि से निकलकर अनेक भेद वाले तिरंशो में उत्पन्न होता है वहां भी गर्भ संबंधी दुख तो पाता ही है और यदि सम्मूर्छन आदि एकेंद्रीय आदि पर्याय में पहुंच जाए तो वहां भी छेदन आदि वेदन आदि के बहुत प्रकार के दुख प्राप्त करता है आगे बताते हैं कि यह जीव गति में भी सिंह व्याघ्रादी के द्वारा खाए जाने का मतलब यदि पशु हो गया तो बलवान के द्वारा खाया जाने का और बलवान हो जाए तो फिर और अधिक बलवान के द्वारा भी उसकी हिंसा हो हत्या हो या फिर सदैव क्रूर परिणाम आदि के कारण अंदर में भी महादुख वेदना का अनुभव प्रति समय करता रहता है तथा दुष्ट मनुष्य मलेच्छ व्याग्र धीवर आदि से मारा जाता है यह जगह यह जगह दुखी होता हुआ सब जगह दुखी होता हुआ रौद्र भयानक दुख को विशेष रूप से सहता है देखिए दो बातें हैं एक तो नरक गति के वर्णन की चर्चा हम जब सुनते हैं तो निश्चित ही वहाँ का वातावरण बड़ा भयावह और बड़ा कष्टप्रद से भरा हुआ दिखता है लेकिन ये तिरंश गति तो हमारे निकटवर्ती देखने में आती है मनुष्य गति में हम त्रंशों को अपने आंखों के सामने कम से कम दो इंद्रिय आदि से ऊपर की जिनकी अवगहना है तो नेत्र आदि के द्वारा ही हम उन्हें देख पाते हैं एक इंद्रिय आदि में भी कितने ही जीव हैं जो हमें प्रत्यक्ष देखने में आ रहे हैं इनके जो कष्ट की चर्चा चल रही है ये उसी मनुष्य गति के निकटवर्ती है इसी लोक में है जहा हम और आप रहते हैं ऐसा होने पर भी यह जीव वहां पर जहाँ हमें ऐसा लगता है हमें संसार में सुख है हमें अनुकूलता है वही स्थान विशेष में यह अन्य जीव है जो महाकष्ट ऐसा मान लो नरक चलता फिरता नरक इनके साथ हो ऐसे कष्ट को वेदन करते हैं वैसे ही कल्पना करना जैसे हम नरक गति के वर्णन में बात कर रहे थे कि जो प्रथम नीचे के प्रथम नरकों में है प्रारंभिक तीन नरक आदि जहां पर देव आदि भी रहते हैं असुर कुमार आदि के देव आदि हैं उनके भवन हैं महल हैं मंदिर हैं तो वहां पर तो वह अनुकूलता के साथ में यानी या बाहर की नहीं है वो तो वैसे निवास कर रहे हैं और वहीं पे बिलों में नारकी रह रहे हैं जो महाकष्ट का वेदन कर रहे हैं ऐसी स्थिति इन त्रियंश गति के जीव की हमारे और आपके समकक्ष होने पर भी रौद्र रूप स्थिति इनकी चलती है जिसकी हम कष्ट की कल्पना नहीं कर सकते और वास्तव में देखा जाए है तो सारा खेल उदय का क्योंकि तो इन गतियों में जीव गया कैसे गुरुदेव श्री के प्रवचन में एक जगह ऐसी चर्चा आती है कि जो छलकपट मायाचारी का जीव परिणाम करता है आड़े परिणाम आते हैं तिरछे परिणाम आते हैं ऐसा शब्द प्रयोग किया आड़े परिणाम आए तिरछे परिणाम आए तो उन परिणामों में ऐसी गतियों में गा जहां आड़े और तिरछा ही शरीर आड़ी तिरछी व्यवस्थाएं आप कोई भी त्रियंश गति के जीव को देख लेना वह आपके मनुष्य जैसा नहीं देखने वाला मनुष्य जैसे उसकी क्रियाएं नहीं होने वाली कदाचित हाथ पैर मनुष्य जैसे भी होंगे तो चाल चलन क्रियाएं वैसी नहीं होने वाली तो निश्चित ही समझना कि वह जीव इस त्रियंच गति को प्राकर के भी महाकष्ट की स्थिति में महापाप उदय से ऐसी पर्यायों में पहुंच जाता है जिसका वर्णन यहां आचार्य देव आगामी चार गाथाओं से जो कर रहे हैं दो गाथाओं की चर्चा हुई रौद्र भयानक दुख को विशेष रूप यहाँ भी सहता है और इन परिणामों ऐसा यह क्रम इस जीव का नरक से तिरंंच नरक से तिरंंच आदि अधोगति और निम्न गति का क्रम दीर्घ काल तक चलता रहता आगे की गाथा में इसी विषय की और चर्चा अब यहाँ पर करते हैं हम सभी गाथा पाठ करेंगे 42 नंबर की गाथा है जो इसी विषय में आगे और चर्चा आती है ऐसी दशा में कौन रक्षा करे अन्नोणम खज्जंतम तिरयाम पावंती दारुणं दुःखं मायाविजत्त भक्तदी अन्नो को तथ्र थेदी भक्षण करे वे परस पर अति तीव्र दारुण दुख लहे जननी करे भक्षण भा फिर अन्य क्या रक्षा करे फिर अन्य क्या रक्षा करे जिस त्रियंश गति में तिर अण खज्जंतम यह त्रियंच परस्पर में खाए जाने का उत्कृष्ट दुख पाता है और जिसके द्वारा गर्भ में उत्पन्न हुआ है वही माता भी भक्षण करती है तो वह दूसरा फिर कौन है जो इसकी रक्षा करे कल इस विषय की चर्चा हम और आप देख रहे थे आप देखते हैं तिरंज गति के जीव यद्यपि उनके कषाय की मुख्यता हो सकती है किसी किसी जीव में क्रूरता देखने में अधिक आती है और कितने ही जीव ऐसे भी होते हैं जिनमें बाहर में कषाय की विशेष प्रकटता नहीं दिखती जैसे गाय आदि है तो आपको ये देखने में आएगी कि गाय आदि के जो जीव हैं यह बहुत तीव्र कषाय रूप इनका व्यवहार बाहर का नहीं दिखता है लेकिन यह उस मनुष्य के सामने भी बहुत बोने और छोटे हो जाते हैं जिसके अंतर अभिप्राय में कषाय और हिंसा के परिणाम पड़े हुए मुझे छढ़ाला के प्रवचन के संबंध में गुरुदेव श्री का एक उदाहरण ध्यान में आता है गति के दुखों की चर्चा करते हुए छढ़ाला की प्रथम डाल के प्रवचन करते हुए गुरुदेव श्री के प्रवचनों में ऐसे उदाहरण दिए गए हैं जो आप अगर भली प्रकार प्रवचन सुनेंगे तो आपको पता चलेगा कि इसका प्रैक्टिकल जीवन संसार का दुख क्या है का वहाँ पर एक ने बताया मुंबई के किसी में वह स्वाध्याय उसके लिए कहीं जाते थे और रास्ते में उनकी नजर मुर्गियों के बच्चों पर पड़ी ऐसा दृष्टान्त तो उन्होंने दिया और वह ऐसा कहते हैं कि वहां पर गर्म कड़ाही में तेल उबलता है और वह क्या करते हैं जो हिंसक कार्य कर रहे हैं वह वहां पर बेसन का घोल आटे का घोल बना करके रखते हैं अपने पास और उसका कुछ भाग उछालते हैं छीटा उछालते हैं ऐसा गुरुदेव श्री व्याख्या कर रहे हैं पूरा प्रवचन में अंतर्गत आया ऐसे उछालते हैं छीटा उस आटे का उस लोभ में कि कुछ भोजन मिल जाए वह छोटे छोटे मुर्गी के बच्चे दौड़ लगा के उसके नजदीक आते हैं और वह उसे उसी आटे में डाल करके और जीवित अवस्था में ही उस तेल में डाल देता ऐसा वर्णन गुरुदेव श्री वहां कर रहे बहुत सारी चीजें आई है मैं तो सिर्फ एक प्रसंग इसलिए बता देता हूं हमें मूल बात तो वहीं से मिलेगी हमारी क्या सामर्थ है हम इन सब प्रसंगों की चर्चा इसलिए कर रहे हैं कि एक गतियों में कितना दुख है यह जानकर हे जीव उन परिणामों से सावधान होना चाहिए जिन परिणामों से इन गतियों का बंद होता है यह वर्णन क्यों किया जा रहा है दुख का वर्णन इसलिए कहा जा रहा है कि दुख से बचने का उपाय हो सके और सच्चे सुख का परिचय इसलिए कहा जाता है कि सच्चे सुख का परिचय होगा तभी दुख से बचने का भाव आएगा और जब तक इसका भेद नहीं पड़ेगा तब तक दुख को ही सुख मानेगा और फिर ऐसे सुखाभास में जीवन व्यतीत करेगा कषाय व परिणाम से जीवन खोटा करेगा तो निश्चित ही ऐसी नरक गति में जीव को जाना पड़ेगा। जिस पर्याय में जन्म देने वाला ही अपना विध्वंसक हो जाए मरण का कारण हो जाए अपना हत्यारा हो जाए तो अन्य की फिर कहाँ वह रक्षा को जीव जाए हाँ मैंने आपको कल दृष्टांत में बताया था सिंह अपने जंगल का सिंह है अगर उसे पता लग जाए कि उसका ही जो पुत्र है वह पुरुष पर्याय में है तो उसे जीवित नहीं रहने देना चाहता क्यों क्योंकि यह मेरा प्रतिद्वंदी बनेगा कॉम्पिटिटर बनेगा अब आप समझ सकते हैं उस सिंह की क्या है सत्ता जंगल में कितना क्षेत्रफल का अधिकारी है लेकिन वह कषाय परिणाम लेकर के आया था और तीव्र कषाय युक्त कारण से उसके भी वहां पे एक पद व्यामोह कहना चाहिए विकल्प ऐसा बसा हुआ है कि मेरा कोई प्रतिद्वंदी खड़ा ना हो तो अपने ही पुत्र को अपने ही बच्चे को मार डाल क्या कह रहा अब विचार करो अपने बच्चे हैं कोई दूसरा अत्याचार करे मारे टीचर भी यदि दंड दे तो भाग के किसके पास आए अपने माता पिता के पास आए और माता पिता ही उसके भक्षक हो जाएं उसे मारने लगे तो किसकी शरण में जाए ऐसी दुख तिरंज गति के जीवों को बारंबार और ऐसा अनेक दुख की चर्चा आचार्य देव यहां पर कर रहे हैं कल भी ये गाथा हमने पढ़ी थी इसलिए थोड़ा सा एक बार पुनः स्मरण करने विषय को लिया आइए आगे की ओर बढ़ते हैं और अब यहाँ पर तिरतालीस नंबर की गाथा का पाठ प्रारंभ करते हैं हुया अति प्यास से प्यासा तथा अति भूख से भूखा रहे उदराग्नि से जलता हुआ अति तीव्र दारुण दुख सहे अति तीव्र दारुण दुख सहे उस गति में जीव तीव्र प्यास से प्यासा तिब्बाय तिशिदो तीव्र प्यास से प्यासा तिब्ब विभुखाई भुख, भुखिदो संतो तीव्र भूख भुक से भूखा होता हुआ उयर हुया सेन डज्जंतो उद्राग्नि से जलता हुआ तिब्बम दुखम पावदी तीव्र दुख पाता है तीन चीज देखिए एक बात प्रयोग की इस गाथा में तीव्र शब्द को प्रयोग किया एक तो होती है प्यास लगना भूख लगना रोग होना और एक होता है तीव्र प्यास लगना तीव्र भूख होना तीव्र प्रकार का रोग होना और तीव्र तरह का कष्ट होना आप समझना हमारे शरीर की प्रकृति ऐसी होती है मनुष्य शरीर की कि हमें जब भूख लगती है तो उसके प्रारंभिक कुछ लक्षण हमें समझ में आने लगते हैं। हमें कमजोरी प्रतीत होने लगेगी या हमारा एक निश्चित समय भोजन करने का तो उस समय हमारे अंदर से ही भाव आने लगेगा कि हम भोजन कर लें क्योंकि हमारे पास तत्संबंधी व्यवस्थाएं हैं और इतना तो पुण्य लगभग जीवों का है ही मनुष्य गति में भी होंगे तो कम से कम खोजबीन करके किसी प्रकार से अपना थोड़ा बहुत इंतजाम तो कर ही सकते हैं पर तिरंश गति के जीव की कष्ट की कल्पना हम यदि करके देखें कि पानी की प्यास की चर्चा करें तो सामने हैंडपंप हो लेकिन चलाए कौन पानी दे कौन कहीं सरकारी नल का पानी आता हो और कोई भर रहा हो और ये गलती से मुंह डालने पहुंच जाए क्योंकि ये प्यास सही नहीं जा रही पानी की धारा बहती दिख रही है तो उसको बदले में पानी तो ना मिले पर डंडों की मार मिले क्या कह रहे हैं आपने देखा होगा नाली का गंदा पानी भी ये तिरंच गति के जीव और उसको पीने के लिए प्रयास करते हैं उस नाली में झुक करके चाटते हैं यानी तीव्रता तो बहुत है लेकिन वस्तु की उपलब्धता नहीं है दिख जाए तो सेवन कर नहीं सकते हैं। और आपने छढाला में तो ऐसे चित्र भी देखे हैं छढ़ाला में चित्र बने हैं कि बद बंधन आदिक दुख सहे कोटी जीवते बद बंधन आदिक दुख सहे जहाँ लाइन आई है ना वहां पर एक चित्र बनाया गया है छढ़ाला में पुरानी छढ़ाला में कि आजू बाजू आग लग गई है और इससे बंधन से बंधा हुआ खड़ा है पशु अब उस बंधन में वह भाग सकता नहीं आग नजदीक आ रही है शरीर जलना चालू हो गया लेकिन वह निकल के छूट के भाग नहीं सकता और वहीं पर महाकष्ट पूर्वक आर्थ रौद्र ध्यान करते हुए मरण को प्राप्त होता है हाँ आप देखना अभी ये जो आ, इस समय में कभी कभी ऐसी घटनाएं होती प्राकृतिक आपदाएं आ जाती हैं भूकंप आ जाए बाढ़ आ जाए मनुष्यों की संख्या तो कदाचित आपको देखने सुनने को मिल ही जाएगी कि इतने मनुष्य मारे गए या इतने मनुष्यों की हानि हुई लेकिन पशु हानि की चर्चा आपको कभी सुनने नहीं मिलती क्या कह रहे हैं पशु हानि की चर्चा क्या वह जीव नहीं है क्या वह संगी पंचेंद्रिय नहीं है क्या उसके पात्रता योग्यता नहीं है ये सब होने पर भी ऐसी हीन दशा में है जहां कष्ट होने पर कष्ट की सहानुभूति तो ना हो और महाकष्ट भी हो तो उसकी गिनती भी ना हो ऐसे दुख आपने देखे हुए कुछ दिन पहले की घटना है आपने सुनी होगी ऑस्ट्रेलिया के तरफ में जंगलों में भीषण आग लग गई थी क्या कह रहे हैं अभी वह पशु अपनी जान बचाने के लिए जहां भी भाग रहे हैं वही भीषण है और शहर की तरफ में वह आ ना जाए इसलिए पूरा सरकार ने फेंसिंग कर रखी है फॉरेस्ट को कि वह नगर में प्रवेश ना कर सके तो पूरा फॉरेस्ट कवर है उन देशों में ताकि वह रोड पे ना आए हाईवे पे ना आए और शहरी इलाके में ना आ जाए अब आपने वो भीषण दर्दनाक चित्र भी देखे होंगे सोशल मीडिया पे कि वह भाग करके प्राण बचाने आ रहे हैं पर यहाँ जालियां लगी हैं और ये यहाँ पर से जलते चले जा रहे हैं पर निकल नहीं पा रहे जालियों में लाशें टंगी हुई क्या कह रहे हैं और वहां की संख्या तो बहुत करोड़ों की संख्या में जीवों की हिंसा हत्या की बात ये तो प्राकृतिक आपदा की बात कर रहे हैं बाकी उनके ऊपर होने वाले अत्याचार उपसर्ग मनुष्यकर्त उपसर्ग उन्हीं की पर्याय में प्रबल बलवान पशुओं के द्वारा जो उनकी हत्या और कष्ट और दुख वेदना है वह वे तो अन्य ही चर्चा देखिए यहाँ पर आचार्य देव कह रहे हैं कि यह जीव तीव्र प्यास से प्यासा ऐसा वर्णन नरक गति में तो देखा है तीन लोग को नाज जो खाए मिटे ना भूख कणा ना लहाए हैं और तीन लोग का जितने समुद्र है उनका जल पीले तो प्यास ना बुझे ऐसी ही स्थिति इस जीव की तिरंज गति में देखने को आती है क्या कह रहे हैं किसी को याद आ जाए तो ठीक है पालतू भी हो डोमेस्टिक हो घर में पाला गया हो उसकी देखरेख हो रही हो तो तो ठीक है और यदि ना देख रेख कर पाए याद से निकल जाए भूल जाए तो उसके बंधन का आप कल्पना कर सकते हैं मैं तो एक बात इस प्रसंग में कहता हूं लोगों को सजावट के नाम पर तिरंज गति के जीवों को बंधन में रखने का प्रयास करते हैं लोग मछली को एक छोटे से पॉट के अंदर रखकर अपने डेस्क के ऊपर रख लेंगे सजावट के तौर पर है आपके घर में अपने घर मतलब एक कहने की बात है ऐसे जैनियों और और आत्मार्थियों क्या ये तो हो ही नहीं सकता होता ही नहीं होगा लेकिन अगर कोई जैन धर्मावलंबी हो दिगंबर जैनी हो और उसकी शॉप में उसके शोरूम में या उसके घर में फिश मछली घर आदि बना हुआ हो तो आप कल्पना कर सकते हो हमने उस जीव को उसके प्राकृतिक स्थानों से उठा करके एक छोटे से केबिन में बंद करा और सिर्फ अपने आंखों के संतोष मनोरंजन या एक लौकिक रूप में प्रसिद्धि सजावट के रूप में प्रयोग किया निदान बंद करके आश्चर्य ना हो तो उसी गति में जीव पहुंच जाए निदान बंद तो निदान बंद तो ऐसे ही होता है निदान बंद तो किसी के ऊपर आकर्षित हुआ देख रहा है रंग देख रहा वर्ण देख रहा प्रशंसा कर रहा और निदान बंद हो जाए तो उस गति में जन्म लेने की स्थिति बनती। क्या कह रहे पर बात तो यह है कि उसके कष्ट की कल्पना करके देखें। क्या मेरे एक परिषद मित्र में थे दिगंबर जैनी है वो कोई व्यवसाय व्यापार था उनका उस व्यवसाय में चिकित्सा विज्ञान में मैंने एक देखा है आप जानते हो तो आयुर्वेद के अंतर्गत एक चिकित्सा होती पंचकर्म चिकित्सा नाम सुना हो उस पंचकर्म चिकित्सा में एक रक्त मोक्षण क्रिया की जाती है आप जानते हैं रक्त मोक्षण क्या होता है हाँ एक छोटे छोटे से जीव होते हैं पानी के अंदर है ना जिसको देखिए मैं नाम अभी अभी एकदम से भूल रहा हूं उनका जोंक जैसा जीव होता है शायद जोंक ही है जोंक उन जोंक को रखा जाता है पंचकर्म चिकित्सा के अंतर्गत और उनका उपयोग क्या होता है कि लोगों के जो शरीर में घाव या फोड़े बन जाते हैं उस फोड़े की मवाद को खींचना एक बार मैं किसी चिकित्सा संबंधी कार्य से अस्पताल में बहुत देर रहा और उस समय ये घटनाक्रम मुझे देखने पे नजर पड़ी मैं देख करके बहुत ही अंदर में मतलब मन बड़ा दुखित भी हो रहा था और ये सोच रहा था कि देखो ये जीव की स्थिति कैसी है उसको किस रूप में प्रयोग किया जा रहा है अपवित्र वस्तु को रक्त को मवाद खींचने में और उसको एक पानी में भर के रखते हैं फिर उसको उस फोड़े के ऊपर या घाव के ऊपर बैठालते हैं फिर वह खून खींचता है फिर उसको हल्दी या कुछ ऐसा पानी होता है उस पानी में डाल करके और ऐसे निचोड़ते हैं जैसे कि मान लो कपड़ा निचोड़ा जा रहा है। ताकि उसके अंदर का जो भरा हुआ है वो निकल जाए वो इतना सा जीव रहता है वो जब पी लेता है ना तो इतना बड़ा आकार हो जाता है और उसको ऐसे जैसे रस्सी को दबा करके निचाड़ा जाए इस ढंग से उसको खाली करते हैं आप यद्यपि ये सब वर्णन करने में हमें ऐसा लगता है कि पंडित जी ऐसी बात क्यों की जाती है लेकिन हम विचार तो करके देखें हमारी स्थिति कैसी है प्रत्यक्ष दिखने पर क्या कह रहे हैं प्रत्यक्ष दिखने पर भी सावधान यदि नहीं होंगे तो इन गतियों के द्वार खुले पड़े हुए हैं जो इन गतियों में जीव पड़े हैं महाकष्ट के साथ उस पर्याय के दुखों को भी भोग रहे हैं उस दुख के वेदन में स्थिति बिगड़ती जा रही बद से बदतर होती जा रही तीव्र शब्द डाला ना तीव्र शब्द पतन की दिशा की तीव्रता को बता रहा है तीव्र प्यास तीव्र दुख तीव्र भूख तीव्र दुख तीव्र रोग तीव्र दुख और इस दुख के वेदन में होने वाले परिणाम से दुख घटता नहीं है बढ़ता ही चला जाता है मरण भी हो जाए तो निम्न गतियों में नर्क आदि में जाकर के और महाकष्ट की स्थिति में पहुंचता है तो देखिए यहां कहते हैं तीव्र भूख भुक से भूखा होता हुआ अग्नि में जलता हुआ तीव्र दुख पाता है हाँ अभिव्यक्ति कर नहीं सकता भाषा वर्णना वैसी है नहीं जैसी हमारी और आपकी हो कि अपने विचारों की अभिव्यक्ति कर पाए अब जब उसके पास सामर्थ्य ही नहीं है उस बात को कहने की तो कैसे कहे और किससे कहे सबसे बेहतर है कहना तो कदाचित चाहे अभिव्यक्त तो करना चाहे पर किससे कहे और कैसे कहे और कौन उसके दुख को सुनने वाला है हाँ मुझे एक कोई पुराने गीत की याद आती है है तो वो इसी पिक्चर का गीत है पिंजड़े में पिंजड़े के पंछी रे तेरा दर्द ना जाने कोई सुना है आपने कभी पिंजड़े के पंछी रे तेरा दर्द ना जाने कोई कोई तेरा दर्द नहीं जानता तेरे बंधन को लोग बंधन नहीं मानते तुझे बंधन में रख कर के भी मानते हैं ये तो सजावट की सामग्री विचार करना त्रियंश गति के कितने ही जीवों की हिंसा इसलिए की जाती है कि मनुष्य गति के लोगों के श्रृंगार सागर सामग्री आदि के प्रयोग में उन वस्तुओं का प्रयोग होता है, है? मनुष्य की की देह जरूर कोई काम की नहीं है, पर के जीवों की देह कदाचित काम आती है उस कारण से उनको मारा जाता है चमड़े के बेल्ट बनाने के लिए चमड़े के जूते चप्पल बनाने के लिए रेशम के जो साड़ियां ए, वस्त्र बनते हैं उसके लिए रेशमी जो कीड़े होते हैं, उनको मारा जाता है। कितने ही प्रकार से हम उनके कष्ट को देखते हैं जानते हैं लेकिन यदि सावधान नहीं होते तो निश्चित ही ये सारा वर्णन मात्र कहानी बनकर के रह जाता है आइए आगे की और चर्चा करेंगे चौवालीसवी गाथा की चर्चा करने के बाद थोड़ा सा एक प्रकरण है जो कि भाव में भाव अधिकार के अंतर्गत त्रियंश गति के जीवों के भाव की छोटी सी चर्चा है दो तीन पैराग्राफ में वो विषय हम पढ़ेंगे इस विषय का और स्पष्टीकरण होगा अब तिरंज गति के दुखों के कथन को संकोच उपसंहार करते हैं क्योंकि वर्णन कहाँ तक करें यह जो संकेत किए गए हैं यह तो प्रत्यक्ष दिखने वाली चीजें हैं हाँ एवं बहुपे दुखम विसहेद तिर ये सर दूण लब्धि अपूर्णी पूर्वोक्त विविध प्रकार के दुख सहे यक योनि में उस योनि को तज कर हुआ लब्धि अपर्याप्त मनुज लब्धि अपर्याप्तक मनुज अन्वयार्थ ऐसे पूर्वोक्त प्रकार त्रिय जोनिसो त्रियंच योनि में जीव बहुप्यारम दुखम विस एदि अनेक प्रकार से दुख सहता है ततो रीण सर्दुणम उस त्रियंच गति से निकलकर लब्धि अपूर्ण रणो होती लब्धि अपर्याप्त जहां पर्याप्तियां पूरी ना होती हो ऐसे मनुष्य आदि होता ऐसा मनुष्य होता है आगे की और बड़ा भी है महा कष्ट के साथ बड़ा है महा दुखों को भी प्राप्त करके बड़ा है और मनुष्य पर्याय भी कदाचित प्राप्त हो गई तो कैसा हो गया लब्धि अपर्याप्तक जहाँ पर पर्याप्तियां पूर्ण नहीं हुई मन की पूर्णता इंद्रियों की पूर्णता ये चीज पूर्ण नहीं हुई ऐसी स्थिति में वह जीव आता है क्योंकि साढ़े चार गाथा में वर्णन किया है तो आधी पंक्ति में तिरंश गति के संकोच किया है विषय को और फिर मनुष्य गति की चर्चा चालू हुई है क्योंकि संसार परिभ्रमण की कथा चल रही है इसलिए तिरियंश गति से आगे का क्रम बताया गया है कि तिरंज आदि से बड़े तो फिर कहां पे आएगा अपर्याप्तक मनुष्य आदि में आ सकता है ठीक देखिए अभी यद्यपि ये जो चर्चा है इस चर्चा में थोड़ी सी बात हम ले रहे हैं अपने इस विषय को और पुष्ट करने के लिए भाव दीपिका के आधार पर त्रियंश गति के भाव कैसे होते हैं इसकी चर्चा है जो विषय हमने पढ़ा है उसको थोड़ा और पुष्ट करने के लिए बात है त्रियंश गति के भाव कैसे हैं ये त्रियंच गति कर्म के उदय से जीव त्रंश गति पाता है इसके कारण से त्रंश गति कर्म का उदय अभी यहाँ पर चूंकि उदय औदयिक भाव अधिकार की चर्चा है इसलिए उदय की चर्चा में नाम कर्म के त्रियंश नाम गति कर्म के उदय से तिरंच गति पाता है वहां सभी भाव कैसे होते हैं तिरंच जैसे ही होते हैं परिणाम भी कैसे होते हैं तिरंच जैसे ही होते शिथिल उपयोगी होता है बहुत सावधानी से आप सुनिएगा भाषा तो आ, सरल ही है हमारी प्रचलित भाषा में है आसानी से विषय पकड़ में आएगा भाव कैसे होते हैं शिथिल उपयोगी होता है धारणा से धारणा ज्ञान से भी हीन होता है कैसी स्थिति है धारणा ज्ञान भी कैसा है हीन तोता है मिठू है इनको बोलना तो सिखा दिया जाता है यह मनुष्यों जैसे शब्द उच्चारण तो करने लगे लेकिन धारणा में क्या है राम कहता है तो राम समझ में आता है क्या हाँ मैंने आपको एक दृष्टांत कभी बताया था हमारी स्थिति कैसी है, है? कि एक तोते की दृष्टांत में बात आती है कि शिकारी आए दाना डाले लोभ में मताना उड़ जाना यह बात तो बारमवार कहता है याद है और बिल्कुल सीखा पड़ा हुआ और कह दू शास्त्री तोते की तरह बढ़िया बोलता भी है शास्त्री तोता शास्त्र को पढ़ा हुआ तोता तो बोलता तो सही है पर भाव भाषण नहीं ऐसे धारणा ज्ञान से सुनिय त्रियंज गति के जीव होते हैं। स्वापर के मनोवचन की काय की प्रवृत्ति अधिक काल पर्यंत स्पष्ट याद नहीं रहती स्मरण में नहीं रहता यानी दीर्घ काल तक संबंधों की खबर नहीं आपने देखा हो कुछ कुछ त्रियंज गति के जीव तो ऐसे हैं जो बच्चों को जन्म देकर के ही छोड़ के चले जाते हैं क्या कह रहे हैं जन्म लेते ही छोड़ के चले जाते हैं कई बार ऐसा होता है कि तिरंच गति में ही उसे यही शुद्ध या विवेक का ज्ञान नहीं है कि ये मेरी माँ है मुझे जन्मदात्री है उसी के प्रति भोग का परिणाम आ जाए क्या कर उसी के प्रति विषय परिणाम आ जाए ऐसी स्थिति भी तिरंच गति के जीवों में होती है तो इसलिए मन वचन काय की प्रवृत्ति अधिक काल स्पष्ट याद नहीं रहती थोड़े समय अकिचित अस्पष्ट ही याद रहती है अब आप सोचना व्यवहार जहां नहीं निभा पाए उस गति की स्थिति कितनी खतरनाक है जहां व्यवहार नहीं हम आज समाज में रहते हैं तो एक मनुष्य मनुष्योचित व्यवहार करते हैं करते हैं उसी का नाम समाज है मनुष्योचित व्यवहार हो संस्कृति अनुसार व्यवहार हो तो एक अच्छा समाज कहलाता है लेकिन जिस पर्याय में वो व्यवहार ही स्पष्ट ना हो जिसको याद ना रखा जा सके व्यवहार कैसे होगा मैं कहता हूं घर तभी घर कहलाएगा ना बच्चे बड़ों का सम्मान करें और बड़े बच्चों को वात्सल्य और अपना तो परिणाम से उन्हें संभालें तभी तो परिवार अच्छा कहलाएगा त्रंश गति में ये स्थिति हो ही नहीं पाती आ? हाँ जी अगर आपके पास ग्रंथ हो तो आप देख सकते हैं पेज नंबर है तेईस चौथा अधिकार औदयिक भाव अधिकार में भाव अंतराधिकार की चर्चा चलती है और गति भाव अंतराधिकार में मनुष्य गति के भावों की चर्चा के बाद में त्रिंश गति के भाव की चर्चा आई है पेज नंबर है ट्वेंटी थ्री भाव दीपिका हे उपादे गुण दोष का ज्ञान नहीं होता किसको रखना किसको छोड़ना हे गे का हे उपादे का ज्ञान ही नहीं है क्या वस्तु अपने हितकारी है और क्या अहितकारी है किसको रखना छोड़ना इसका ज्ञान नहीं गुण दोष का भी कोई ज्ञान नहीं बुद्धि का कोई ठिकाना नहीं है किस स्थान पे क्या करना कैसे सेवन करना नहीं करना है ये पदार्थ अपना है कि पर का है ऐसा कोई विचार ही नहीं होता क्या कह रहे आपने देखा हो त्रंंच गति में एक गाय वगैरह है भूख लगती है त्रसा सही नहीं जाती आजकल तो एक और बड़ी विचित्र स्थिति बन गई है स्वच्छ भारत अभियान की जब से व्यवस्था चालू हुई है ये पशुओं को जो नगर और गाँव में घूमते थे अब इनको खाने के लाले पड़ गए चूंकि इनके कोई पालक तो है नहीं पालतू यदि नहीं है और वो उसके घास चारे की व्यवस्था नहीं करता छोड़ देता है पाल भी रहा है व्यवस्था नहीं है तो छोड़ दिया अब दिन भर यहाँ वहां भटकते रहते हैं कि कहीं पर कोई सब्जी के छिलके मिल जाए कोई झूठन मिल जाए रोटी मिल जाए सूखा कुछ मिल जाए घास मिल जाए अब पूरा शहर आप देख रहे होंगे सिमेंटी होने लगा है क्या कह रहे हैं एक ग्रामीण परिवेश की बात थोड़ी छोड़ दें तो अलग बात है महानगरों की स्थिति ऐसी हो गई है बड़े बड़ी बिल्डिंगे बन गई है फ्लोर्स तैयार हो गए हैं रोड बन गई है वॉकिंग ट्रैक बन गए हैं कहीं पर उन्हें भोजन के लिए वनस्पति ना मिले अंडरग्राउंड नालियां बन गई हैं तो गंदा पानी भी नसीब ना अच्छे की तो बात दूसरी की क्या कह रहे हैं ये सब देखने में आपको अनुभव आता है हमें तो अच्छा लगता है कितना सुंदर शहर है कभी उस जीव की कल्पना करो वह तीव्र भूख प्यास से आकुलित व्यालित यहाँ वहां घूम रहा है गर्मी के दिनों में आपने घटनाएं सुनी होंगी ये चिड़िया वगैरह होती हैं छोटे छोटे पक्षी होते हैं इन्हें पानी की त्राही त्राही मच जाती है क्योंकि नदी सरोवर सूख जाते हैं और पानी नहीं मिलता है तो ये कभी किसी नल के ऊपर बैठकर एक बूंद पानी टपक रहा हो तो चातक वत उसकी प्रतीक्षा करते हैं एक बूंद पानी मिल जाए हाँ निश्चित ही इनको विवेक भी नहीं है ज्ञान भी नहीं है गुण दोष का ज्ञान नहीं है बाजार में घुस जाए गाय और किसी सब्जी वाले की दुकान में पालक रखी है फल रखे सब्जी रखे मुंह मार दे खा तो पाए ना और पेट की छुदा तो मिटे नहीं और उसके बदले में उसे दंड अलग मिले मार पिटाई अलग मिले कष्ट का ही वेदन होता रहे शास्त्र पढ़ना अक्षर सहित बोलने की शक्ति रहित होते हैं तथा विवेक रहित भी होते हैं ज्ञान का सम्यक प्रयोग करने की विधि उन्हें पता नहीं आदि संज्ञा जिसके उघड़ी होती है देखो ये है ना उत्ती परिणाम आम होता है तो ये वो वो स्थिति भी उसकी ऐसी है हास्यास्पद भी है और कष्टप्रद भी है यानी लोगों के द्वारा तिरस्कार किया जाए मारा जाए ये घटनाएं सामान्य देखने में आती है घास का कड़वी पत्रादि व मांस, मलमूत्र आदि खाने की यथा योग इच्छा होती है क्या कह रहे तिर गति में ऐसे जीव भी हैं जो अपवित्रता को ही भक्षण करते हैं इसके दृष्टांत आए क्या कह रहे हैं? जैसे सूकर आदि है तो विष्टा आदि के द्वारा अपनी छुदा मिटाता है कुत्ता है वमन आदि का सेवन करता है। ये दृष्टांत है मोक्षमा प्रकाशक में टोडर मल जी साहब ने प्रयोग किए हैं ऐसी स्थिति त्रियंज गति की है जिसे कोई देखना ना चाहे छूना ना चाहे उसको वह सेवन करता है किसकी बात चल रही है त्रंश गति के जीवों की कि हम अपने पूर्व भावों में इन गतियों में पर्यायों में दुख भोगे हैं उसकी चर्चा कर रहे हैं फिर आगे भजन गाएंगे अब गतियों में ना ही रुलेंगे क्या कह रहे हैं वो भजन गाने के लिए नहीं है वो विचारने के लिए है अपनी बात कह रहे हैं मुख से कवलाहार करते हैं मनुष्य आदि की तरह इनका ऐसा हाथ आदि के द्वारा ग्रहण हो विधि पूर्वक और आदि बना करके शोध करके सो ऐसा नहीं है के कष्टों में आपने देखा होगा गाय वगैरह हैं चरते चरते और आपके कहते सब्जी के वो पड़े हुए हैं छिलके पड़े हैं या घास फूस पड़ी है उसको खाते खाते साथ में प्लास्टिक खा जाए प्लास्टिक थैलियां खा जाए और पेट में वो इकट्ठी हो जाए अंदर पहुंच जाए श्वास नली में अड़ जाए तो उसमें देह छूट जाए अंदर हो जाए तो अंदर जहर फैल जाए उसका विष और उसका मरण हो जाए ऐसा उनके विवेक भी नहीं है और व्यवस्था भी नहीं क्यों मुख से कबलाहार करते हैं ना अब मुख से कबलाहार करें तो स्थिति तो ऐसी बनने वाली है। कुछ कुछ त्रियंश गति नाम कर्म का उदय मनुष्य गति के जीवों को भी देखने में मिलने लगता है जो अपनी संस्कृति कल्चर के हिसाब से भोजन आदि ना करें उनमें यह स्थिति देखने को मिलती है हा? देखा आपने शादी ब्याह प्रसंग में ये जो साउथ इंडिया आपके चाइनीज वगैरह के नाम पर जैसे पदार्थ दिखाए जाते हैं मानो कोई सुध ना बची हो जैसे वाले को ज्ञान नहीं है ना ऐसे ये भी ज्ञान शून्य क्रियाएं करके उन पदार्थों का सेवन करता है मेरे को तो एक वो चीज बड़ी अशोभनी सी प्रतीत होती है आपका नूडल्स नूडल्स पता नहीं उसको और क्या क्या कहते हैं जहां तक ऐसा सुना तो है मैंने मंचूरियन और इस तरह का कुछ नाम प्रयोग किया जाता है उसका है ना अब देखने में प्रत्यक्ष ही घिनावना पदार्थ है क्या कह रहे हैं जिस प्रक्रिया से उसे निर्मित किया जाता है बनाया जाता है उसे देखने मात्र पे सादृश्य कल्पना करें तो वह मांसाहार ही है जी में नाम भी मांसाहारी है चाउ मुझे नहीं मालूम इसकी मीनिंग क्या है हम तो ये समझते हैं चाइनीज भाषा का कोई शब्द होगा लेकिन निश्चित समझना जिस देश की संस्कृति नहीं हो डॉक्टर हीरा लाल जी साहब ने धवला जी की प्रस्तावना के टीका में बात लिखी है जिस देश की संस्कृति नहीं है और उसके उदाहरण में हिब्र और चीन ये दो देशों के नाम डाले हैं जहा की संस्कृति नहीं है और जिनकी संस्कृति नहीं है उसकी संस्कृति उसकी क्रियाविधि को हम अपनाते हैं मानो हम तिरंश हैं ढोर हैं विवेक शून्य क्रिया को करते हैं क्या कह रहे हैं इसलिए मैंने भाव अधिकार में उस भावों की चर्चा की जो त्रियंश गति में है लेकिन त्रियंश गति में तो नामकर्म उदय से हैं पर मनुष्य गति में भी त्रियंश गति संबंधी वैसे नामकर्म का उदय आए तो जीव के ऐसे अविवेक पूर्ण कृत्य होने लगते हैं क्या कह रहे अविवेक पूर्ण कृत्य है हॉट डॉग इसका हिंदी अनुवाद क्या हो हु? मैंने आज तक नहीं देखा हाँ और बस कुछ नहीं है जैन शब्द जोड़ दो बाकी सब 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 कुछ स्वीकृत है जैन जैन साहब जैन ओनली फॉर जैन जैनों के लिए तैयार किया गया हा? आपको पता है चावल तो हम भी अनाज के रूप में सेवन करते हैं लेकिन हम कभी उसे बिरयानी नहीं कहते क्योंकि वो शब्द समवि नए से मांसाहार के लिए प्रयुक्त तो होता है उसका हम प्रयोग नहीं करते नाम प्रयोग नहीं करते ये जैन बिरयानी क्या होती है वेज बिरयानी क्या होती है जैनों के उसमें लॉन में, में कार्यक्रमों में और क्या कहते वैवाहिक प्रसंग हो मंगलिक प्रसंग हो उसपे ऐसे स्टॉल लगे हुए जहां पे जैन शब्द के साथ ये शब्द जुड़ा हो वहां तो जाना भी निषिद्ध होना चाहिए और फिर पूरी समाज वहां खड़े होकर के उसको सेवन करे तो ये जैन कहलाने वाले हैं कि नहीं मैं तो एक बात होती है कि अपने नाम के आगे जैन लगाओ मैं एक दूसरी बात कहता हूं यदि जैन धर्म के अनुकूल आपका आचरण नहीं है अज्ञानता पूर्व प्रत्यय है तो आप जैन शब्द हटा दो कम से कम इतना तो होगा कि जैन शब्द को आ, कहना चाहिए अपमानित तो नहीं होना पड़ेगा जैन मतलब कौन अगर हम जातिगत ढंग से भी बात करें तो जैन मतलब मनुष्य पर्याय का सर्वोत्कृष्ट जीव क्या कह रहे हैं जिसमें संयम धारण की पात्रता ही नहीं सिद्ध बनने की सामर्थ पड़ी हुई है वो जैन यद्यपि सामर्थ्य जीव मात्र में है पर इसको पहचानने की पात्रता योग्यता अनुकूलता निमित्त किसको मिला जैनी को मिला अन्य जीवों को नहीं मिलता हा? थोड़ा विचार करना और नाम बताया है वेज कबाब क्या होता है वेज कबाब आपको पता है एक कहानी रही है अपने एक में कथा कहीं पे मैंने पढ़ी थी आटे का मुर्गा एक कहानी है चित्र कथा है आपने पाठशाला के बच्चों को पढ़ाई भी होगी आटे का मुर्गा होता है नहीं कुछ लोग हमारे यहाँ पर 22 प्रकार के अभक्षों के अंतर्गत एक अभक्ष होता है अजान फल अजान फल मतलब जिस पदार्थ का हमें ज्ञान नहीं है उसे भी अभक्ष की श्रेणी में रख करके त्याग किया जाता है जिस चीज का हमें ज्ञान है कि यह चीज प्रत्यक्ष रूप से हिंसक है धर्म संस्कृति विरुद्ध है उसका समृदता करते हुए उसे जैनियों के योग्य बनाते हुए खाना यह तो मांसाहार और अभक्ष सेवन जैसा ही परिणाम है भैया बात तो त्रियंज गति की चल रही है पर भावों की चर्चा करते हुए यह बात कह रहा हूं मैं कि उनको विवेक नहीं है उनके खाने पुने मलमूत्र आदि के यथा योग इच्छा होती है मुख से कबलाहारी होते हैं कुछ शुद्ध नहीं है कैसे खाना क्या नहीं खाना हाँ यशोधर राजा की कहानी का वृत्तांत में बात आती है ऐसा संदर्भ मुझे बताया गया क्या कह रहे हैं देखिए किंचित शास्त्र सुनने की अब थोड़ा सा सुनना त्रियंज गति के जीवों में भी क्योंकि यहाँ भी पंचम गुण स्थान वर्ती तक हो जाते हैं क्या कह रहे हैं तो कैसे हो जाएंगे ये देवशास्त्र गुरु की सन्निधि बिना इस मार्ग के सम्यक में ना तो संभव है ही नहीं तो इसलिए यहां कह रहे हैं किंचित शास्त्र सुनने की अर्थ धारण करने की क्योंकि शब्द श्रुत ज्ञान वैसा तो नहीं है वचन व्यवहार हमारे जैसा तो नहीं है लेकिन फिर भी अरे समो शरण में भी तिरंजों का कोठा तो होता है ना तिरंज गति के जीव जाते तो है ना और प्रथमानियों की कथाओं के अनुसार यदि हम तीर्थंकरों के चरित्र घटनाओं में देखें तो सिंह की पर्याय में महावीर के जीव को भी तो मुनिराजों ने संबोधन किया था ना पार्शनाथ के पूर्व भाव में भी हाथी आदि की पर्याय के घटना प्रसंग जुड़े हैं ना तो किंचित शास्त्र सुनने की ऐसा भाव हो सकता है अब आप इस बात को समझना कि हर बार गाय या कोई पशु मंदिर में प्रवेश कर रहा हो तो वो कोई अनाज खाने के लिए या मंदिर खराब करने के लिए घुस रहा हो ऐसा नहीं है हो सकता है उसे भी ये धर्म के प्रति अंदर में संगी पंचेंद्री है भाव हो सकता है किंचित शास्त्र सुनने की अर्थ धारण करने की जो उसकी योग्यता अनुसार किंचित विशेष सहित जीवादि तत्वों के श्रद्धान रूप सम्यक्त व देश संयम धारण करने की शक्ति भी होती है तिरंच गति के जीव में वा एक आदि के लेपाहार भी होता है पर्याय जो है उसमें लेपाहार आदि भी होता है लेपाहार मतलब होता है स्पर्शन इंद्रिय संबंधी जो आहार ग्रहण करने में आए ये अपने तो होता ही होता है मनुष्यों में तो चलता ही है इसलिए वहां पे आगे चर्चाओं में ये भी बात आती है कि पंचेंद्रीय त्रियंच आदि में भी होता है लेकिन लेपाहार एकेंद्रिय में होता ही है जैसे एक दृष्टांत आपको कहूं तो समझ में आएगी सच मतलब आपको मालूम होगा पौधे भोजन कैसे बनाते हैं आपने स्कूल की पढ़ाई में पढ़ा होगा पौधे भोजन बनाते हैं कि नहीं हाँ मुझे याद है वह शब्द प्रकाश संश्लेषण क्या कह रहे हैं प्रकाश संश्लेषण सूर्य के प्रकाश में ये जो पौधे आदि हैं उस प्रकाश से ऊर्जा प्राप्त करके और भूमि से मिट्टी की उर्वरकता को लेकर या पानी का स्पर्श खींच कर और अपना जीवन स्थापित करते हैं ऐसा विज्ञान की भाषा कही जाती है तो जो सूर्य के प्रकाश को सहना सूर्य के प्रकाश को ग्रहण करना वो लेपाहार है और अपने भी चलता है है मनुष्यों में भी, विटामिन डी की कमी क्यों हो रही है? टेबलेट से पूरी नहीं होने वाली है कि पहले की माताएं बहनें गांव में रहती थी और खुले में बैठकर चक्की चलाती थी गेहूं चावल बीनती थी बैठ करके तो उनको बाहर से अतिरिक्त ये सब चीजों की कमी नहीं होती थी सूर्य प्रकाश सहज प्राप्त होता था शारीरिक श्रम सहज होता था तो जो भी आवश्यकता सहज प्राप्त हो जाती थी आ? अभी तो ठंड आया और स्किन फटना चालू ये पुराने समय में ये समस्याएं इतनी नहीं थी अभी क्यों है आ? अब वो फिर स्किन फटना चालू हुई तो फिर क्रीमें बनना चालू हुई फिर क्रीम बन रही तो लोशन बन रहा है तो ये बन रहा है फिर इस स्किन वाले ड्राई स्किन वाले फिर पता नहीं कौन कौन सी ऑयली स्किन का अलग ड्राई स्किन का अलग फिर मेल का अलग फीमेल का अलग बच्चों का अलग बच्चों के बाप का अलग सबका अलग अलग हा? क्या है मुझे तो ऐसा ध्यान आता है जैसे कोई गालन होती तो ग्वालन घी मथ रही मक्खन मथ रही है अभी मक्खन को निकाला और निकाल के बर्तन में रखा घी बनाने के लिए हाथ में जितना मक्खन लग गया अभी वो क्या करे तो उन्हें लेके अपने हाथ में यहां वहां पे ऐसा लगा लिया हो गया पूरा स्निग्ध जितनी शरीर को बाहर लेपाहार चाहिए था वो मिल गया है के हाथ तो पानी में डुबोना नहीं कपड़े धोना नहीं और फिर जाकर के ब्यूटी पार्लर में वो पता नहीं क्या नाम है उसको मैं भूल रहा हूँ वो वो पानी में पैर डुबो करके और क्या होता है वो वो मछलियां आ करके और वो चमड़ी को खाती है कुछ होता है जो भी होता हो वो अपने यहां नहीं चलता अपने जैन परंपरा में नहीं है इसलिए मैंने बात कही कर्म उदय जीव का वैसे आए तो परिणाम वैसे होने लगते हैं गति क्योंकि चार गति का बंद जो है ना प्रति समय जीवों को चल रहा है गति बंध तो सभी को हो रहा इस समय बैठे बैठे भी हो रहा अब जब ये उदय में आएगा तो भले मनुष्य गति में क्यों ना पेडी क्योर हाँ <laughs> पेडी क्योर पेडी क्योर यही तो होता है ये अपन प्रवचन नहीं कर रहे भैया अपनी कक्षा चल रही है अपन तो चर्चा कर रहे हैं आचार्यों को सामने रख कर के उनकी बात करते हुए विचार कर रहे हैं कि कोई मतलब कहना चाहिए वक्ता श्रोता वाला भेद करके चर्चा नहीं चल रही आप सुनने बैठे हो ऐसा नहीं और मैं बोलने बैठा हूं ऐसा नहीं कि आप भी विचार करने बैठे हैं और हम भी विचार करने बैठे कर विचार तो पाम विचार करें आचार्यों की बात को विचार करें वस्तु स्वरूप का विचार करें तो वस्तु की प्राप्ति होगी परिणामों की समाल होने का अवसर बनेगा मर्यादा रहित आहार होता है क्या कह रहे हैं कोई समय की मर्यादा नहीं कब खाना कब नहीं खाना निशाचर प्राणियों के रात भर भक्षण चलता है पर आज के परिवेश में सारी चीजें ऐसी हो जाती हैं बोलते बोलते बताना पड़ता है हम त्रंज गति की बात कर रहे हैं नहीं तो मनुष्यों पे भी लागू हो जाती है, है? नहीं हो जाती है? जैन कुल में उत्पन्न हुआ हो रात्रि भोजन का त्यागी ना हो तो जब देखो तब विकल्प आए तो बैठा है खाने के लिए ठिकाना नहीं दो बजे रात को कभी भूख लग जाए तो खाने बैठ जाए है जैन होटल नहीं जाते होटल शब्द ही है कि है तो टल वहां रुकमत लेकिन घर का किचन तो बंद हो गया तो घर से तो टला और वहां जाकर के अटका अभी खोजता है ऐसे परिचय प्रसंगों में घटनाक्रम देखने को मिलते हैं हैं भैया बहुत लेट हो गए यहाँ कहाँ भोजन मिलेगा भैया हमारे यहाँ तो नहीं मिलने वाला तो कहाँ मिलेगा तो खोजता फिरता है पूरा शहर बस्ती गांव ये पूछे उससे पूछे लेट नाइट है एक जैन साहब थे जैन साहब ही थे बस क्या कह रहे हैं? बारह बजे रात को कहीं बाहर से आए और पूछते हैं अरे भैया नींद नहीं आने वाली भूख बहुत जम के लगी पूरा शहर भ्रमण किया अंततः जो रिक्शे से वाले लोग होते हैं ना जो फुटपाथ पर ठेला इला लगा करके उनके लिए पांच रुपये थाली दस थाली का चावल वामल कुछ मिलता होगा है वो बोले अब तो कहीं कोई मिलने नहीं वाली सब बंद हो गई होटलें क्या कह रहे हैं चलो है तो अच्छा है ना ठीक है ना हम खा सकते हैं कि नहीं खा सकते अब दुकानदार आपको क्या बताएगा आप कौन हो खाओगे कि नहीं खाओगे अरे आप तो चिंता नहीं करो बढ़िया है साहब एकदम फर्स्ट क्लास आपके घर से अच्छा हम यहाँ बना रहे हैं एक बजे रात को चौराहे पे खड़े होकर के खा रहा ये तो वो अकेले जाके खा रहा है और रिसेप्शन में कब चालू होता है और कब तक खाया जाता है और जेनी को ये बात शर्म आनी चाहिए जब हम अपने कार्डों में लिखते हैं आपके आगमन तक आपका आगमन मतलब कब होता है नरक गामियों का आगमन कब होता है हीन का आगमन कब होता है शिथलाचार्यों का आगमन कब होता है प्रमादियों का आगमन कब होता है इनका कोई समय ठिकाना नहीं है डेढ़ बज गए दो बज गए रात के तीन बज गए रात के चल रहा है भोजन चल रहा है खा रहे हैं पी रहे हैं ये बातें कहीं और की नहीं चल रही किसकी चल रही है हम और आपके बीच के ही लोगों की बात चलती है अभी अपने को समझना है स्वाध्याय कर रहे हैं हमारा कुछ कर्तव्य बनता है हमारा एक कर्तव्य है जिन शासन को कलंक ना लगे हमारे जीवन से हमारे आचरण से जैन जैन धर्म के ऊपर प्रश्नवाचक चिन्ह न बने ऐसे प्रसंगों से बुद्धिपूर्वक बचना अपने घर का भी हो तो निषेध करना ना निषेध होता हो ना मानता हो तो हमें बच करके निकल जाना क्या कह रहे हैं पर उसकी किसी भी रूप में अनुमोदना करके महापाप का बंद नहीं करना प्रभा तथा पांचों इंद्रियों के सुखों से रहित होता है मर्यादा होता है प्रभा का एक तेजस शरीर होता है। और ये कर्म की है। नाम कर्म के भेदों में आता है। सुभग नाम कर्म, दुबग नाम कर्म, ने जब बीच में भी विधान किया था और उसमें यह सारी चर्चाएं थोड़ी संक्षिप्त में मैंने बीच बीच में संकेत में कही थी आप भाव दीपिका आदि ग्रंथों में भी इसकी बहुत विस्तृत चर्चा है वहां से पढ़ सकते हैं तो ऐसा शरीर तो कदाचित रंग में सुंदर मिल जाए लेकिन कांति रूप ना हो क्या कह रहे हैं कांति रूप ना हो और विकृत शरीर हो चेहरा आकार प्रकार कान यानी जो शरीर जो है वो अच्छा शोभा मान ना हो ऐसी स्थिति स्त्री गति के जीव में होती भय होने पर भयादि मिटाने के उपाय रहित होता है देखो क्या लिख रहे हैं भय हो जाए तो भय मिटाने का उपाय नहीं है उसको से भयभीत ही हो सकता है हमारे पास तो उपाय है ना है? हमें अंधकार से डर लगे तो हम क्या करेंगे प्रकाश कर लेंगे नहीं कर सकते तो जहाँ प्रकाश है वहां पहुंच जाएंगे अकेले भय लगे तो दो चार लोगों के साथ में बैठ जाएंगे ये तो कर सकते हैं ना तिरंच गति को उस संबंधी उपाय नहीं सूझता उपाय नहीं सूझता तो दुखी है भयभीत है जी ने इसका प्रयोग किया जिसे उपाय नहीं सूझता है जिसे ज्ञान नहीं है वह महाभयाक्रांत है दुखी ही है क्योंकि उपाय नहीं सूझता सोना बैठना चलना शब्द करना काम सेवन इत्यादि सर्व शरीर की क्रिया यथा योग तिरंश जैसी होती है जो त्रियंश गति के जीव के परिणाम होने चाहिए वैसी होती है मन का विकल्प श्रवण विचार धारणा सर्व ही होते हैं परिग्रह संग्रह वह वस्त्राभूषण श्रृंगार आदि की इच्छा विचार से रहित होता है ये मनुष्य गति का लक्षण है कौन सा परिग्रह संग्रह करना वस्त्राभूषण श्रृंगार आदि की इच्छा इस विचार से रहित है उसको ये नहीं है कि क्या पहना दे और क्या पहने आपने देखा होगा ये लोग घर में जो कुत्ता वगैरह पालते हैं ना ये अपने घर के पुराने कपड़े भी उनको पहना देते हैं कई बार पुरानी स्वेटर होती है तो पहना देते ठंडी के दिन किसी किसी कुत्ते को उसको क्या लगता होगा कुत्ते को है? क्या लगता होगा कौन सा ब्रांड पहना होगा कैसा फील करता होगा कि अब आधा क्या पहना है पहनाते तो पेंट भी पहना देते तो फिर सूटेड उटेड जेंटली मैन दिखता ना मैं ऐसा विचार आता कि नहीं आता ये विचार शून्य है उस संबंधी विचार नहीं है उसको क्या कह रहे हैं कष्ट तो है पर कष्ट से बचने का उपाय करने की विधि ज्ञान नहीं घर मंडप आदि में रहने की इच्छा रहित होते हैं माता पिता से भी आ, माता पितादी से भी या माता पिता बिना समूचन जीवों की उत्पत्ति भी होती है तिर गति में सम्मूरछन जाति के जो जीव हैं जिनके माता पिता नहीं है प्राकृतिक वातावरण के कारण जीवोत्पत्ति हो जाती है अल्पायु वाले होते हैं और वह आयु पूर्ण होते ही मरण को प्राप्त होते हैं वह है अवस्था भी महाकष्टप्रद होती है जैसे ये प्रकाश में होने वाले पतंगे आदि उदाहरण के तौर पर समझ सकते हैं यथायोग उनके कषाय भी होती है जीवों को मारना ना मारना ऐसे विचार से रहित होते हैं पर्याय के वश से उनके जीवों को मारना नहीं मारना होता है क्या कह रहे हैं पर्याय के वश से उनके जीवों को मारना भी होता है और नहीं भी मारना होता कई बार ऐसे भी ये परिणाम ऐसे है मारे भी और कई बार ऐसे है कि नहीं भी मारे क्या कह रहे जैसे गाय वगैरह है तो ऐसे जीव है गाय के दृष्टांत इसलिए दिए जाता है कि गाय थोड़ी समता भावी जीव है कषाय की तीव्रता उसकी नहीं होती इसलिए उसका उदाहरण बार बार प्रयोग में आता है कोई उसे मारे भी तो प्रतिकार करे भी और ना भी करे सिंग मारे भी और ना भी मारे और भाग जाए क्या कह ये दोनों स्थिति हो सकती है और सिंह है शेर है अब इसको आंख ही दिखा दो मारने की तो छोड़ो आप क्या कह रहे हैं तो क्या करेगा वो अब डिपेंड करता है उसकी सोच के ऊपर उस समय उसका इंटेंशन कैसा हो भूख तो नहीं लगी होगी भरा पेट होगा तो ठीक है और नहीं तो तुमने छेड़ा क्यों मेरे को तो मार भी सकता है और नई बीमारे ऐसे विवेक शून्य क्रियाएं तिरंश गति के जीवों की होती हैं। जैसी पर्याय पाता है वैसा ही भाव होता है स्थावर काय में चलने बोलने सुनने की चार इंद्रिय बिना चार इंद्रियों संबंधी ज्ञान की शक्ति से रहित होते हैं मतलब आप समझना जो एक इंद्रिय आदि है वह सब तिरंच के खाते में जाते हैं वृक्ष हैं वनस्पति काय है ये सब क्या है तिरियंश गति है तो उनके बोलने चलने सुनने इन क्रियाओं से रहितपना है इत्यादि भाव जीव के त्रियंश गति संबंधित त्रंश गति नामकर्म के उदय से होते हैं यह त्रियंश गति के भाव वर्तमान में तो किंचित सुख और किंच के दुख के ही कारण है क्या कह रहे हैं ये जो वर्णन किया ये वर्तमान में तो कहा कदाचित अल्प सुख और दुख के कारण है लेकिन इन परिणामों में तिरंज गति नामकर्म के उदय से होने वाले परिणाम निश्चित ही महा दुख के कारण होते हैं इस तरह से यहाँ पर विषय मैंने इसका आधार पर थोड़ा सा लिया और ये अपनी आज चर्चा यहाँ पर हम विराम लेंगे समय अपना हो गया है साढ़े चार गाथाओं के माध्यम से आचार्य देव ने चार गति के दुखों का वर्णन संसार भावना हमारी चल रही है संसार परिभ्रमण की कथा और उसके अंतर्गत यह अंतिम बात यहाँ पर की गई कि त्रंश योनि में यह जीव अनेक प्रकार के दुख सहता है उस त्रियंश गति से निकलकर फिर लब्धि अपर्याप्त मनुष्य होता है अब मनुष्य गति के दुख बारह गाथाओं में कहेंगे उनमें प्रथम ही गर्भ से उत्पन्न होने वाली अवस्था को बतलाएंगे इसकी चर्चा कल हम प्रारंभ करेंगे अभी यहाँ पर समय अपना हो गया है अब बारह गाथाओं में मनुष्य गति के दुखों की चर्चा आएगी इसमें कथा आने वाली है? नातों की कहानी 18 नाते एक ही जन्म के एक कहानी आएगी और कुछ गाथाओं के बाद में ही ये चर्चा आगे जब बढ़ेगी तब तो यहाँ पर एक कहानी आने वाली है मनुष्य गति की स्थिति क्या है हमें अभी मनुष्य गति कैसी लगती है अच्छी की बुरी गति नाम कर्म का उदय है ना क्या कह रहे अरे हमें ही नहीं जो जिस गति में जाता उसको वो ही अच्छा लगता है छोड़ना नहीं चाहता है कष्ट में रह करके भी उसी में आनंद की खोज करता है अभी अपनी बात इस पर्याय संबंधी बात चालू होगी जिस मनुष्य गति में हम हैं वास्तव में ये सुखरूप है कि दो, भले शब्द जब भी प्रयोग किया जाए आपसे पूछा जाए और क्या हाल चाल है उत्तर क्या आता है हाँ क्यों आ भाई क्या हाल चाल है नेपाल में क्या स्थिति है पंडित जी ठीक है सब बढ़िया चलता है बढ़िया है सब बहुत अच्छा है अच्छा कोरोना आया मनुष्य गति के जीवों के लिए जिन्हें नहीं छुपाया जिन जो इसमें बच गए या जिनको इस संबंधी तकलीफ नहीं हुई उनके लिए कैसा रहा कोरोना अच्छा क्या दिक्कत हमें क्या तकलीफ हमें तो कोई तकलीफ नहीं हुई जिनको हुई हुई हमको नहीं हुई हमको तो अच्छा अब कोई ऐसा भी तो कह सकता है भैया हमको अगर ये नहीं बनी होती बंधन नहीं होता ये प्राकृतिक व्यवस्था नहीं बनी होती तो हो सकता हम इतनी देर बैठते भी नहीं ना क्या कह रहे हैं समूह शरण में भले वो कहना चाहिए सात घंटे की दिव्य धनी आदि होती होगी लेकिन ये मनुष्य पर्याय में इतना समय किसी को इसके पहले निकाल पाए अपनी व्यस्तता में ये बहुत कम बिरले जीवों को होगा यद्यपि किस अपेक्षा से मनुष्य गति की चर्चा यहाँ आएगी दुखों की व्याख्या करते हुए सम्यक स्वरूप मनुष्य गति का बताया जाएगा बारह गाथाओं से इसकी चर्चा हम आगामी दिन में करेंगे हाँ जी किसी को भक्ति पाठ करने का भाव हो तो आप नाम मुझे बता दिया करें पहले से भेज देंगे तो मैं भी निश्चिंत रहा करूंगा और अभी किसी की तैयारी हो प्रासंगिक चर्चा से लेना चाहते हो तो लीजिए हाथ उठा लीजिए आप मैं मुझे दिख जाएगा तो मैं फिर आपको आमंत्रित कर लूंगा अजी सतीश जी सतीश जी लेंगे हाँ आई सतीश जी बेलोकर जो हमारे डासाला से जुड़ते हैं प्रमोद जी लेना चाहते हैं लेंगे हाँ जी प्रमोद जी को मौका देते हैं बिलाई वाले हमारे हाँ पंडित साहब जय जिन जय जिन ये आप की जहां तक लिखी हुई भक्ति है आ... ज्ञान गोष्ठी में परिजन पर, पर में आपने ये सिखाई हमको मेरा गला उतना अच्छा नहीं पंडित जी फिर भी प्रयास कर रहा हूं भूल कर अपना घर जाने कितनों के घर तुझको जाना पड़ा भूल कर अपना घर जाने कितनों के घर तुझको जाना पड़ा इस जहां में कई घर बनाए तूने इस जहां में कई घर बनाए तूने रिश्तेदारी सभी से निभाई तूने कल थे तुम जिनके पिता फिर उन्हीं को पिता तो बनाना पड़ा भूल कर अपना घर जाने कितनों के घर तुझको जाना पड़ा ज्योति माता कभी वही पत्नी बनी ज्योति माता कभी वही पत्नी बनी पत्नी से फिर तेरी भगनी बनी रिश्ते बनते रहे और बिगड़ते रहे अपना ठिकाना रहा भूल कर अपना घर जाने कितनों के घर तुझको जाना पड़ा बन के जल चर तू बन के जल तू सब लो सिखाया गया बन के जल चर तू सब लो सिखाया गया बन के चर तू जालो फसाया गया नरक पशुओं के गम देख कर वो सितम हाय रो ना पड़ा भूल कर अप नगर जाने कितनों के घर तुझको जाना पड़ा इस जहां की तो वधुए अनेकों बरी इस जहां की तो वधुए अनेकों वरी मुक्ति रानी न तेरे मन में बसी जिसने इसको बरा इस जहां की धरा फिर ना ना पड़ा भूल कर अप न घर जाने कितनों के घर तुझको जाना पड़ा धन्यवाद सुंदर भक्ति पाठ हमारे भाई प्रमोद जी भिलाई के द्वारा किया गया यद्यपि भक्ति मेरी लिखी हुई नहीं है पर मुझे भी बहुत पसंद है भक्ति अच्छा भक्ति पाठ है वास्तव में अच्छा इस अपेक्षा से कहा इसमें है तो दुखों का वर्णन परंतु वास्तविकता का परिचय कराया गया है कि जीव अपनी भूल से ही दुखी है भूल कर अपना घर जाने कितनों के घर तुझको जाना पड़ा हाँ हम तो कब ना निज घर आए क्यों नहीं आए पर घर फिरत बहुत दिन बीते नाम अनेक धरा पर घरों में फिरता रहा इसलिए दुखी ही हुआ क्योंकि जब भी आप दूसरे के घर बार बार जाओगे और बिना बुलाए जाओगे इज्जत मिलने वाली नहीं क्या कह रहे हैं और जो मेरा स्थान नहीं है उस स्थान में रहेंगे तो निश्चित ही दुत्कारे जाने वाले चार गतियां ये जीव के रहने का स्थान नहीं है मेरे शुद्धात्मा के रहने का स्थान ये चार गति नहीं है इन चार गतियों में रहेंगे तो एक गति से दूसरी गति दूसरी गति से दूसरी गति में धक्का लगाया जाएगा और चार गति परिभ्रमण में जीव दुखी होता रहेगा इसीलिए अपने स्वरूप को पहचान कर स्वभाव से ही जो सिद्ध गति प्रकट होती है सहज वही मेरा निवास स्थान है ऐसे सिद्ध बनने की भावना रखते हुए चार गति के दुखों की चर्चा यहाँ इस भक्ति पाठ के द्वारा की गई आइए भाव प्रतिक्रमण पाठ की ओर आगे चलें हे अरहंत प्रभु मुझसे मन वचन काय द्वारा कृतकारित अनुमोदना द्वारा संरंभ समारंभ आरंभ द्वारा क्रोध मान माया लोभ द्वारा प्रमाद इत्यादि विभावों द्वारा इस भाव में या पूर्व भाव में सच्चे देवशास्त्र गुरु की अभिनय हुई हो व्रतों में अतिक्रम व्यतिक्रम अतिचार अनाचार दोष लगाया हो एक से लेकर पंचेंद्री तक किसी भी जीव की हिंसा हुई हो विराधना हुई हो दिन या रात में लगाए सर्व दोषों का पश्चाताप व्यक्त करता हूं क्षमा मांगता हूं वह मेरे सभी दोष मिथ्या हो मैं मुझ में रहूं इस प्रकार मैं इन सभी दोषों का प्राश्चित करता हूँ नमः और कल का प्रातः कालीन कार्यक्रम आप सभी को वैसे ही है हम कल काल शाश्वत धाम के ही अंतिम जो तीन दिवसीय कार्यक्रम है उसमें कल आखिरी दिन चौबीस तीर्थंकर विधान के माध्यम से प्रातः काल जुड़ेंगे और चौबीस तीर्थंकर विधान के साथ कल का वहां का तो दिन भर कार्यक्रम है प्रातःकालीन हमारा पूजन का जो क्रम है वो चौबीस तीर्थंकर विधान के रूप में होगा सात बजे का ही जो हमारा समय है उस समय वह प्रारंभ होगा और लगभग नौ बजे तक के अपने समय में पूर्ण हो जाएगा फिर आगामी दिवसों से शेष जो तीर्थ वंदना के हमारा क्रम आगे बढ़ना है जो जो देखी भी त्रागने के अनुसार अपना कोई भी कार्यक्रम प्लान नहीं है क्योंकि प्लानिंग कभी चलती भी नहीं है आप ये समझ लेना आज मैं छोटे दादा के प्रवचन भी सुन रहा था समाधि की भावना के अंतर्गत उन्होंने ये बात को रखा है जो निश्चित है उसकी प्लानिंग क्या करना और हम जो प्लानिंग करते हैं वो होना ही नहीं है तो प्लानिंग क्यों करना क्या करें जो हो रहा है उसको स्वीकार कर लेना यही क्रमबद्ध पर्याय का विश्वास है और इसको स्वीकार करने से निराकुलता बहुत होती है कहीं कोई आकुलता का विकल्प नहीं है जो होना है सो निश्चित है व्यवस्थाएं बहुत करते हैं देखिए बड़े आयोजन होते हैं ना व्यवस्थाएं डबल की जाती हैं हमने भी व्यवस्था डबल की एक नहीं दो लैपटॉप लगाना चालू किए थे लेकिन जो जो देखी वीतराग ने अब बीच में बिजली चली गई एक लैपटॉप से दूसरे लैपटॉप में देखना उपयोग भी बहुत भ्रमता है फिर भी आप सभी बहुत धैर्य के साथ में और सभी अन्य साधरमी बंधु भी आत्मा आराधना की भावना से जुड़ते हैं तो निश्चित ही आप जितना भी अंश हम स्वाध्याय चिंतन पूजन भक्ति का कर रहे हैं उसमें जितना विचार मंथन करेंगे वो हमारे लिए विशेष कार्यकारी होने वाला है उसका हम लाभ निश्चित ही लें ऐसी भावना रखते हुए जिन वाणी माँ जिन वाणी माँ जय बंतो मेरी जिन वाणी माँ जिन वाणी मां जिन वाणी माँ जय तो मेरी जिन वाणी मां श्री सर्वज्ञ प्रभु की वाणी गणधर गुरु उर्मा समानी चुन चुनी अंग रचे सुखदानी द्वादां मैं श्रीरी जिन वाणी जिन वाणी मां जिन वाणी माँ जयवंतो मेरी जिन वाणी मां जो हित चाहो भविजन प्राणी पढ़ो सुनो ध्यान वाणी स्वानुभूति से करो प्रमाणी शिव पथ की है यही निशानी जिन वाणी मां जिन वाणी मां जयवंतो मेरी जिन वाणी मा जिन वाणी मा जिनि मेरी वो मेरी जिन वाणी पाठ रमो कार मंत्र पाठपूर्वक का उत्सल रमो हरिहंताड़मो सिद्धाणमो वायरियामो रमो लो ए सब साहूण रमो अरिहंताण रमो सिद्धाण रमो आयरियाण रमो उवजायाण रमो लो ए सब साहूण रमो अरिहंताण रमो सिद्धाण रमो छायाबरी में जिनवाणी माता की जय हो देवशास्त्र गुरु भगवान की जय हो अनंत सिद्ध परमेष्टि भगवंतों की जय हो वीतरागी जैन शासन की जय हो कल प्रातः काल विधान का अंतिम दिवस है इसलिए अगर किसी को परिवार सहित अनुकूलता हो बैठना चाहें तो नाम मुझे व्यक्तिगत प्रेषित कर दीजिएगा तो जो हम प्रातः काल लोगों का नाम उच्चारण करते हैं जो विधान में बैठे हैं उसमें हम आपका भी पारिवारिक नाम घोषित कर देंगे और संक्षिप्त विधि में जो कलश स्थापना और मंत्र शुद्धि का एक छोटा सा उपक्रम होता है उसमें आपको भी हम सम्मिलित कर सकेंगे चौबीस तीर्थंकर विधान है यद्यपि विधान बड़ा नहीं है आज का विधान बहुत बड़ा था छह पूजाएं थी बत्तीस पेज थे कल आधा विधान है सत्रह पेज का ही विधान है और चौबीस तीर्थंकर भगवंतों का मंगलमय स्मरण आदरणीय छोटे डॉक्टर दादा डॉक्टर साहब के द्वारा यह विधान लिखा गया है तो उस विधान का कल प्रातः काल हम सभी लाभ लेंगे सुबह सात बजे से कुछ लोग यद्यपि बहुत से लोग तो उस आईडी में जुड़ते ही हैं कुछ लोग इस आईडी में जुड़ते हैं उसके लिए हम पुनः एक लैपटॉप तो लगा ही देंगे ताकि आपको किसी को भी जहां जैसी अनुकूलता हो उसका लाभ ले सके ही महापुण्य से प्राप्त इस प्राप्त इस पर्याय को हम तत्व विचार के द्वारा देवशास्त्र गुरु की शरण द्वारा और उनके द्वारा प्रतिपादित मार्ग के सम्यक श्रद्धांत से सार्थक करें इसी पवित्र भावना से विराम सभी जीवों को जय जय